हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 24 लाख मुरब्बा मील पर आपका कब्जा है। 24 लाख मुरब्बा मील पर आपका कब्जा है और हुकूमत कैसे कर रहे हैं? फरमाते अगर दुराए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो वह उसका भी जवाब देगा। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं, ये लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। फरमाए कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर उसका भी जवाब देगा। किसी ने पूछा उमर तुझे ये मर्तबा कैसे मिला? हाय हाय, कहने लगे मैं वही उमर हूं जिसका बाप ऊंट चराने के लिए मुझे भेजता था और मुझसे ऊंट काबू में नहीं आते थे, लेकिन ये सरकार की गुलामी का नतीजा है। आज अल्लाह ताला ने मुझे ये शरफ अता किया है। शरफ क्या अता किया है? मैं एक इशारा करने लगा हूं, थोड़ी सा जरा तवज्जो से सुनना। मिस्र पता होता है दरियाए नील खुश्क हो जाता है। लोगों ने आकर गवर्नर से कहा आप हमें इजाजत दें, हम अपनी रस्म पूरी करें। फरमाया कौन सी रस्म? कहने लगे कि हम एक नौजवान बच्ची को दरिया के भेंट चढ़ाते हैं, उसको ज़िबा करके बीच में डालते हैं तो फिर ये दरिया हमें पानी देता है, तो इसके बगैर दरिया नहीं चलता, तो आप हमें इजाज़त दें। आपने फरमाया कि बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों कत्ल करोगे? कहने लगे ये कत्ल नहीं करेंगे, पानी नहीं आएगा तो पानी नहीं आएगा, हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर आप नहीं इजाजत देते तो भी हम नकले मकानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी के बगैर आपको पता ना जरात है ना बंदा रह सकता है, हम यहां से छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। आपने फरमाया ठहरो, मैं जरा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से इसके बारे में पूछ लूं। आपने रुका लिखा, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दो रुके लिखे, एक तो गवर्नर के नाम कि तूने बड़ा अच्छा किया, इस्लाम किसी पर जुल्म करना इसकी इजाजत नहीं देता, उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, उसको क्यों कत्ल किया जाए, लिहाजा ये इस्लाम गैर इस्लामी रस्मों को मिटाने आया है, इसको फैलाने नहीं आया, हम इसकी इजाजत नहीं देते। और फरमाया एक रुका मैंने दरिया के नाम लिखा है, ये इसको जाके दरिया में डाल देना। उस रुके में क्या लिखा है? ए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बंद रह, में तेरी लोड़ नहीं है, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर मैं रब से कहूंगा तुझे जारी कर दे। लोग वहां इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं अब क्या हुक्म आएगा। जब पता चला जी रुका आया है, कहने के लो रुके नाल भी नील चलन के वाला, लोग इकट्ठे हो गए। लो हजरत साहब, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा रुका जब दरिया में डाला गया, दरिया में इतना पानी आया कि मामूल से कई फुट ज्यादा बुलंद पानी, और आज तक उमर फारूक के रुके से दरिया जारी है, बंद नहीं हो सका।